नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम चर्चा। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सक्रिय हो रहे हैं इस बार। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से केंद्र की राजनीति तो तय होती है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी कई ऐसी प्रमुख जातियां हैं जो कहीं ना कहीं सिंहासन हिलाने और सिंहासन पर बैठाने का काम करती हैं। उन्हीं में से एक जाति है दलित वर्ग। ये दलित वर्ग एक लंबे समय से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ रहा। मायावती की सरकार भी उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश में बनवाई, लेकिन 14, 17 और 19 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी ने थोड़ा सा डैमेज करते हुए अपनी सरकार में दलितों का वोट बैंक अपनी तरफ खींच लिया। जैसे जैसे स्थितियां बन रही थी, बीजेपी को लग रहा था कि इस बार भी दलित वोट बैंक 22 के चुनाव में उनके खाते में आ जाएगा, लेकिन इसी बीच एक नया राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया जिसका नाम था आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी ये जो राजनीतिक दल है, इनके जो संस्थापक हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि 22 के चुनाव पर उनकी क्या रणनीतियां हैं, उनकी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं और क्या रणनीति इस बार उनकी रहेगी जमीन पर उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर। तो आइए स्वागत करते हैं। आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको सर आवाज मिल रही मेरी? मुझे मिल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है, लेकिन एक बात कही जाती है कि आप हंगामा करते हैं, आप मूछे भी रखते हैं और जहां पर घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं है वहां आप बुलेट से चलते हैं। क्या यही कारण है कि जब आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाते हैं तो वहां पुलिस पहले पहुंच जाती है? नहीं, मैं दो तीन चीजें पहले वो करता हूँ। आपने जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना जी, तो उस इंट्रोडक्शन में आप कह रहे थे कि कुछ छोटी छोटी जातियां हैं जो सत्ता परिवर्तन का दम रखती हैं जी। तो मैं जहां तक समझता हूँ उत्तर प्रदेश में और देश में तो दलित समाज सबसे बड़ी जाति है जी सर। तो ये इस तरह की बात आपने किस नजरिए से की मुझे समझ नहीं आया जी। आप ये बताएं बड़ी जाति कौन है उत्तर प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन का दम रखती है जी, मेरा सवाल है आपसे जी। सर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अलग अलग वोट बैंक और अलग अलग जातियों के आधार पर ही बनते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। मेरा ये कहने का पार्टियां समझ नहीं नहीं हाँ। आप अपने शब्दों को एक बार सुनिएगा बाद में जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक पत्रकार को जब वो कहता है तो एक आईना होता है, लोग उसको सुन रहे होते हैं। हमारे पास तो बड़ी पॉपुलेशन है जी, बड़ा कैडर जो सुनता है जी। तो आपने कहा छोटी छोटी जातियां, छोटी जातियां छोटे छोटे आप कह दो छोटी छोटी पार्टी जो अभी नई नई बनी है, नई नई पार्टियां जिनके, वो सब समझ आता है, लेकिन हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई है जी। दूसरी बात रही, मैं ये समझता हूँ कि राजनीति का मतलब ही गलत है जी। राजतंत्र था तो राजनीति हुआ करती थी, ये लोकतंत्र लोकनीति होनी चाहिए जी। तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है आजाद समाज पार्टी जो इस बार मैदान में है उत्तर प्रदेश में, और पुलिस तो सब जगह रहती है। पुलिस एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम का पार्ट है, उसका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन जो सरकारें होती है उसे अपने तरह से यूज करती हैं। उनका काम होता है पुलिस का कि जब कहीं अपराध हुआ हो तो वो इन्वेस्टिगेशन करें, अपराधी को गिरफ्तार करें और कोर्ट में पेश करें, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। जिनकी सरकार होती है तो चाहे उनका उनका काम, उनका वर्कर या उनका जो पार्टी का मेंबर है या उनका नेता, अगर वो अपराधी भी हो तो पुलिस उसके खिलाफ काम नहीं करती। ये तो मैंने उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 4.5 साल में देखा। तो पुलिस इसलिए पहले पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस काम नहीं करती अपना। अगर पुलिस आसानी से अपना काम करे और न्याय प्रिय होकर काम करे तो मेरे जैसे लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हल्ला इसलिए मचाना पड़ता है कि जब आरोप अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और अपराधियों पे लगाम कसने के बजाय अपराधियों को की जो है ना खातिरदारी की जाती है थानों में, तो इसलिए जो है ना जब पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तब जाना पड़ता है। अब वो आपको हल्ला समझ आता हो जी या कुछ और, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपना काम करता हूँ, ड्यूटी है मेरी। ठीक सर, मैं आप जिस सवाल की बात कर रहे थे कि मैंने छोटी जाति बोली, हो सकता है शायद जल्दीबाजी में मुझसे गलती में निकल गया हो, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ या फिर देश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं और उस पर कोई बोलने वाला तैयार नहीं रहता। देखिए, मेरा कहने का मतलब यहां पर था, आप उस वे में ले सकते हैं इसको, कि जिस तरह से इनके खिलाफ अपराध बढ़ते हैं कोई भी राजनीतिक दल इनके साथ नहीं खड़ा होता है और अक्सर इनके मन में ये बात आ जाती है कि हम छोटे हैं इसी वजह से हमारा कोई साथ नहीं देता है।
क्या अब कुछ अलग बयार बहेगी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपकी उस बात को नहीं कह रहा हूँ, साथ नहीं देता मैं उस बात का, आपके आपका जो भावना थी उसका वो नहीं कर रहा, आपके साथ शब्द जो है ना, शब्द जो आपने बोले वो गलत थे थोड़े से। आपने कहा जो छोटी छोटी जातियां, आप इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर छोटी जाति कह रहे हैं तो अच्छा वो एक अलग बात है, अगर आप आबादी के हिसाब से छोटी जाति कह रहे हैं तो मैं इस बात को कह रहा था, ठीक है, एक दलित समाज ना जी, एक बड़ी आबादी है जी, और ये छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा जो सिस्टम ने बनाया उस सिस्टम से तो नफरत है जी। इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान होता है, जानवरों में जातियां होती है क्योंकि वो अलग अलग उनके बनावट होती है, उनको पहचानने की जाति जरूरत होती है। इंसान तो ऐसा है कि अगर किसी किसी भी जाति के बच्चे को आप दूसरी जाति के यहाँ पैदा होने के बाद रख दो तो आप पहचान नहीं सकते, बड़ा होने के बाद वो समाज में पैदा हो जाएगी किस जाति का है। खैर हम मुद्दे पे आते हैं, इसलिए नहीं जाता क्योंकि लोगों को लगता है कि ये इनकी अभी राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये अपने वोटों का, इनको अपनी वोट की वैल्यू का एहसास नहीं है, इसलिए इनकी लड़ाई को लड़ने जाता, सिर्फ चुनाव के समय लोग आके इनको बताते हैं कि हम आपके जाति के हैं, धर्म के हैं, या हमारी पार्टी जो है ना आपके लिए काम करेगी, 5 साल नहीं जाते इनके पास। अब 4.5 साल में पिछले उत्तर प्रदेश की जो सरकार रही है उसमें जो अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जैसे एनसीआरबी का डाटा है कि 66% दलितों पे हमले जो है बढ़े हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, आज भी 2 मामले आज मेरे जानकारी में आए हैं जी, एक गाजीपुर का है, एक अमरोहा का है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब दलित वर्ग के लोगों ने भी अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाने का काम करना शुरू कर दिया है और वो समझ चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट अधिकार उनको दिलाया था और ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है ना आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, तो अब वो तैयार हो गए और 2022 में वो अपनी वोट का ताकत का एहसास जो है ना सभी पार्टियों को कराने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि जो मैं स्टडी कर रहा था आपके बारे में, मुझे ये पता चला कि आपका नाम चंद्रशेखर था, बाद में आपने आजाद जोड़ा क्योंकि आपको एक अलग तरह की आजादी चाहिए थी, क्या वो आजादी अब इस समाज को और चंद्रशेखर को मिली है कि नहीं मिली है, या अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी? डॉक्यूमेंट में मेरा नाम आज भी चंद्रशेखर है, आजाद मैंने तब जोड़ा जब मैंने माननीय काशीराम साहब के बताया रास्ता अपनाया, जब मैंने गुलामी छोड़ी, मैं मानसिक रूप से जो गुलामी का जिसका हम लोग हिस्सा थे और लंबे समय तक जिसमें घिस पिट रहे थे कि सालों तक पिटते थे, हजारों सालों से व्यवस्था के अनुरूप जो है ना इन सारे अधिकारों वंचित रहे और फिर भी उसी में उसी को अपना जीवन समझते थे, हम भागकर भगवान के भरोसे जब तक थे तब तक हम लोग जो है ना गुलाम थे, अब हमने गुलामी से आजादी ली तो मैंने अपने नाम के पीछे आजाद लगाया और उन लोगों को आजाद कराने के लिए गुलामी से आजाद समाज पार्टी बनाई, अब आजाद समाज पार्टी का संगठन है, वो लोग कैडर से तैयार हो रहे हैं, वो जब सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदू मुसलमान का तंत्र रचेगी, जब हिंदू मुसलमान का जो है ना सांप्रदायिक माहौल बनाएगी, जैसे अभी बना रही है मौलाना कलीम साहब पे बना रही है वो, ठीक है, अगर मैं सोचता हूँ इस देश की सबसे बड़ी नाकामी ये होगी अगर कहीं से कोई विदेशी फंडिंग हो जाती है और आपको पता नहीं लगता, तो मैं समझता हूँ कि ये इस देश की जो सुरक्षा तंत्र है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। और अगर सबको भारतीय संविधान का आर्टिकल 25-26 सबको धार्मिक आजादी देता है कि सब लोग अपने धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करें, सब लोग करते हैं, बुद्ध धर्म के लोग भी करते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी करते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ये जो चुनावी मोहरा जो है ना समय समय मुसलमानों को बना के माहौल को जो है ना वोट का जो असली मकसद है उसको बुलवाने का और अपने एजेंडे पे लागू करने का बीजेपी करती है, अब उससे हमारे लोग कैडर के जरिए मुक्ति ले रहे हैं और उम्मीद है जब चुनाव आएगा तो आप देखना बीजेपी के सारे प्रयास विफल होंगे, इनका झूठ बेनकाब हो चुका है, ये किसी के हितैषी नहीं है, अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हितैषी है और पूंजीपतियों को और मजबूत करने में लगे हुए हैं जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था टूट जाए और गरीब इतना गरीब हो जाए कि वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाए और सब लोग इनके आगे घुटने टेक दें, लेकिन आजाद समाज पार्टी बीमारी में लोग घुटने नहीं टेकेंगे, वो लोग लड़ेंगे, इसलिए आज ये मानसिक रूप से आजाद करने के लिए आजाद समाज पार्टी बनाई। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी आप इस बात को भी कह रहे हैं और कई बार भी सुनने में मेरे आया है कि एक समाज को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बात को कहती है कि वो दलित वर्ग को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए प्रयास कर रही है, ये जो वोट बैंक है जब आप आए हैं तो ये वोट बैंक खिसकेगा तो खिसकने से कहीं ना कहीं टूटेगा भी, तो क्या टूटने से इसका नुकसान होगा या इसका फायदा होगा? देखिए पहले तो हमें अपने उसको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को जी, देखिए कोई वोट बैंक नहीं होता है, अगर ऐसे दलित वोट बैंक है तो यहाँ तो ब्राह्मण समाज के 3-4% वोट है, जो ठाकुर समाज है राजपूत समाज है उसके 6-7% वोट है, उनके तो सभी पार्टियों में नेता है, उनकी कई पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां भी जिनका कोई बेस वोट नहीं है,
वो भी लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में आपको बता देता हूँ, उनका बेस वोट बताइए क्या। प्रकाश हिंदू तो सारा जो है बीजेपी के खेमे में खड़ा है या कांग्रेस के खेमे में खड़ा है, उनका बेस वोट क्या है? लोग अपनी नीतियों से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं समझ रहा हूँ कि टूटने का हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता। जब एक एक अंडा टूटता है ना, तो एक नए जीव का निर्माण होता है। अब वो नए जीव में कितनी क्षमता है, ये उसका उसका संघर्ष, उसके सिद्धांत और उसका जीवन का जो है ना, जीवन का जो भविष्य है वो तय करता है। तो अभी लंबे समय से 2012 से 17 वो लोग नहीं आए, 17 से 22 अभी वो नहीं है, 14 में वो लोग जीरो पे थे। तो मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं है, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, सिद्धांत छोड़ दिए। अच्छा, इस वजह से आजाद समाज पार्टी जो काशीराम साहब के तैयार किए गए लोग है कैडर के, वो कैडर के लोग भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करके नौजवानों को तैयार करने में लग गए हैं। मुझे उम्मीद है कि 2022 में बड़े परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगे और आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनेगी। और वो सिर्फ दलित वर्ग के लिए काम नहीं करती है, मेरे प्रिय साथी पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं, वो माइनॉरिटी के लिए भी काम करती है, वो बैकवर्ड के लिए भी काम करती है। जिसपे आज उत्तर प्रदेश में बवाल हो रहा है ना, गुर्जर सम्राट मिहिर बोस की प्रतिमा पे नोएडा में बहुत बड़ा बवाल हुआ, मुख्यमंत्री जी को अपना वो बदलना पड़ा। वो सबसे पहले मांग हमने उठाई थी कि गुर्जर समाज के महापुरुष नहीं, देश के महापुरुष हैं गुर्जर सम्राट मिहिर बोस, उनका जेवर एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे होना चाहिए, मांग हमने उठाई थी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जिसका भी मुद्दा हो, देखिए बड़ा योगदान है गुर्जर समाज का। धन सिंह कोतवाल गुर्जर हुए, 1857 का क्रांति के नायक, माँ पन्नाधाई हुई है, पथिक साहब हुए, इतने इतनी आजादी की लड़ाई में कुर्बानी गुर्जर समाज ने दी है, उनका एक पराक्रमी इतिहास रहा है। मुगलों को रोकने के लिए जो गुर्जर सम्राट मिहिर बोस उन्होंने लंबे समय तक काम किया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो बैकवर्ड के लिए राष्ट्र ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं, हम तो महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर जी, गुरु नानक देव, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मानने वाले लोग हैं, हम तो ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नुवन और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसे गुरुओं को मानने वाले लोग हैं। जो बेगमपुरा राज की बात करते हैं कि ऐसा राज जिसमें किसी कोई गम ना हो, तो ये और ये अमेरिका ने अपने अपने मैं एक बार जानकारी दे दूं आपको, अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया है बेगमपुरा राज, मैं आपको आर्टिकल सहित दूंगा आप देखना। जी सर। अच्छा, तो ये बीजेपी वाले क्यों कहते हैं कि आप गंभीर नहीं रहना चाहते हैं, जबकि आप जिस तरह से बता रहे हैं, या मैंने भी कई बार देखा है कि आपने जमीन पर काम किया है, मैंने भी देखा कि हाथरस के मामले में आप किस तरह से वहां तक पहुंचे थे, उसके परिवार से मुलाकात की और आप लोगों ने काफी कुछ काम उसमें बेहतर किया, लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी वाले कहते हैं कि आप सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और वही आपका काम है, वही आप करेंगे। देखिए मैं, अच्छा बीजेपी वाले जो है ना कह रहे हैं, किसी के बारे में तो कह रहे हैं, औरों को तो बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कहते जी। मैं समझता हूँ, मैं तो हाथरस परसों भी गया था, जब मैं वहां गया बीजेपी वालों के बारे में बता देता हूँ आपको। हाथरस इतना हाईलाइटेड मामला था। हाँ, मैंने देखा उसमें आप वहां सड़क भी बनवा रहे थे, मैंने देखा उसमें वीडियो में आपके। जी हाँ, जो हुआ था हाथरस में वो डरावना था, आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा जो है ना कभी सुर्खियां ना बनी हो कि मतलब क्रिमिनेशन का अधिकार भी छीन लिया गया, बच्चे के केस का शव भी ना दिखाया गया पीड़ित परिवार को। तो जब मैं गया मैंने हालात देखे कि वहां रास्ता भी नहीं है और वहाँ चारों तरफ कबाड़ फैला हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था नौकरी दूंगा, आवास दूंगा, पेंशन दूंगा, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने तय किया कि मैं वहीं रुकूंगा। तो रात को 1 बजे काम होना स्टार्ट हुआ, रास्ता बना, सुबह जब मैं उठा रास्ता बन गया था, सफाई का काम शुरू हो गया था और पूरे उस रास्ते को साफ किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि बिना, देखिये बच्चे, माँ भी तब दूध पिलाती है बच्चे को जब बच्चा रोने लग जाता है, जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो माँ भी ये सोचती है कि अभी इसको भूख नहीं, वो अपने काम करती रहती है। इसलिए हम लोग जो है ना रो तो बहुत दिनों से लिए, हम मरते भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, हाथ भी फैलाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती कहीं। इसलिए अब हम लोग ताकतवर लोग हैं और बैरों को सुनाने के लिए उसके धमाकों की जरूरत होती है। तो बीजेपी वाले हमारे धमाकों को सुन रहे हैं, उनको लगता था पहले कि दलित तो बेजुबान होते हैं, जैसे पशु होते हैं, तो इनको मारो पीटो, इनके घर जला दो, इनकी बच्चों के साथ रेप करो, उनकी हत्या कर दो, बोलेंगे नहीं। आज के दलित के जूते में बहुत दम है, जब कोई संविधान विरोध में जाके दलितों के खिलाफ काम करता तो दलित उसको सबक सिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए कि जनता ने उनको समर्थन मेरे खिलाफ नहीं, उनको इसलिए दिया था कि वो अच्छा काम करेंगे, वो तो किया नहीं है, किसानों के आम आय दोगुनी नहीं किए, तो इसलिए उनके खिलाफ बंद हो रहे हैं। अभी 27 तारीख को भारत बंद है और हमारा पूरा समर्थन भारत बंद को है, क्योंकि जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के राज में जी।
सर, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या क्या प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? दूसरी चीज, 22 का चुनाव सबसे अहम है उत्तर प्रदेश में, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं लगे हैं। इसके पहले आप लोगों ने कुछ चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े भी हैं और मजबूती अपनी दिखाई भी है, सत्ता दल को भी और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी। अब आगे की क्या रणनीति है, कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या खाली पश्चिम की बेल्ट में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी लड़ेंगे, या अन्य जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल है उनके साथ आप आना चाहते हैं? कुछ ऐसी कोई बातचीत किसी से अब तक बनी है क्या? देखिए, पहली बात, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ने जाना चाहते तो उसको चुनाव संगठन ही लड़ा था, व्यक्ति नहीं लड़ा था। हाँ। तो हमने अपने संगठन को दुरुस्त किया है। 403 विधानसभाओं में हमारा विधानसभा का, ब्लॉक का, तहसील का, बूथ का संगठन है। जी। अभी हम उस संगठन को तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और उसको कैडराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बीजेपी अपना सांप्रदायिक खेल खेलेगी, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि माहौल खराब करने के लिए उन्होंने एक जो है, जो मुस्लिम धर्म गुरु गुरु हैं मौलाना जो हैं कलीम साहब, उनको जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और 10 साल बाद बहुत सारे केस हमने सुने कि खबर आएगी कि वो तो निर्दोष थे। तो ये जो चुनावी हथियार बीजेपी बनाती है, इसके खिलाफ हमने कैडर जो शुरू किया है, संगठन जो बनाया है, वो हमारा काम प्रॉपर रूप से चल रहा है। अब रही चुनाव की बात, तो हमारा, मैं शुरू से कह रहा था कि हमारा मकसद है कि बीजेपी को रोका जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी जो है ना, ये सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। प्राइम मिनिस्टर जो है, जो सबके होते हैं, मुख्यमंत्री भी अगर जब बन जाते हैं, मुख्यमंत्री एक पार्टी के नहीं होते, सबके होते हैं, लेकिन फिर भी वो विपक्ष के लोगों के साथ या जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, इस तरह का जो है ना भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरह की कार्रवाई करते हैं। सबसे ज्यादा झूठी रासुका अगर किसी प्रदेश में लगी है तो उत्तर प्रदेश में लगी है। सबसे ज्यादा इनकाउंटरों पर अगर संज्ञान लिया गया है हाईकोर्ट द्वारा तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार अगर कहीं हो तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। नौजवान अगर सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर नौजवानों के साथ आरक्षण में दलित पिछड़ों का ठगी कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इनके एक एक आईपीएस जो आरोपी हैं वो गायब हैं, आज तक पकड़े नहीं गए इनसे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों से अगर बिजनेसमैन कहीं सबसे ज्यादा परेशान है तो यहाँ है। अगर कोरोना में लाश कहीं तैरी तो वो उत्तर प्रदेश में तैरी। तो ये मैनेजमेंट की सरकार है। अगर डेंगू से सबसे ज्यादा बच्चे कहीं मरे हैं तो वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में मरे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये सरकार गंभीर नहीं है बुनियादी मुद्दों पे। तो इसलिए हम सब लोगों, मैंने तय किया और हमारे पूरे कैडर ने बैठ के तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। अगर इसमें किसी, इस लड़ाई में किसी का सहयोग लेना पड़ा तो लेंगे, अगर अकेले जाना पड़ा अकेले जाएंगे, और अगर जो हमसे विचारधारा मेल खाते लोग हैं अगर उनके साथ कोई गठबंधन बनता है तो उसको करेंगे, और नहीं बनता तो मजबूती से लड़के उत्तर प्रदेश में अपने दम पर भाजपा को रोकने का काम करेंगे। ठीक है सर, फेसबुक पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, उन्होंने आपसे सवाल पूछे हुए हैं कि आप कुछ दिन पहले उनके बीच भी गए थे, उनसे आपने मुलाकात भी की थी, तो वहां से क्या रणनीतियां आगे की तय हुई हैं? आप सड़क तक मार्च करते हुए भी आए थे लखनऊ में हजरतगंज तक, अब आगे क्या रणनीति रहेगी वहां पर? वो लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल, उनको पूछना चाहिए, मगर हम सब, वो अभ्यर्थी भी और हम सब लोग मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री, दलित पिछड़े वर्ग के अधिकार खाने वाले मुख्यमंत्री और 20,000 सीटें निकल के डकार जाने वाले मुख्यमंत्री, ये बताएं कि न्याय कब देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री ने उस दिन 15 दिन का समय जो है ना, जो कमेटी बनाई थी उसके लिए लिया था, आज तक नहीं, मुझे लग रहा है 22 तारीख की डेट पूरी होगी है। तो मैं 23 और 24 दो दिन में मैं हाथरस में था और अलीगढ़ में, अब मैं आज वापस लौट रहा हूँ। आज मैं उन साथियों से बात करूंगा, पूछूंगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसमें क्या हुआ। ऐसा इतना गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री अपने जीवन काल में, इतना झूठा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा, जो खुलेआम झूठ बोलता है। हाथरस वाले मामले में कहा था एक सरकारी नौकरी और एक आवास देंगे, पेंशन देंगे, आज तक नहीं दी। कल मैंने वहां के DMSSP से बात की, कमिश्नर से बात की, DIG से बात की, उन्होंने कहा कि सरकार ने जब एजुकेशन होने लगे तो सरकार ने अपना इरादा बदल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि दलितों के प्रति जो अन्याय होने पर जो उनको न्याय देने की नीति होनी चाहिए वो मुख्यमंत्री के मन में नहीं, क्योंकि वो जातिगत दुर्भावना से पीड़ित है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन भी हम लोग लड़ेंगे, अगर सरकार ने बात ना मानी, अभी भी सड़कों पर लड़ेंगे, गांव गांव में लड़ेंगे, जिला मुख्यालय पर लड़ेंगे, और अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं देते तो फिर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा और इसको गांव गांव में ले जाके दलित पिछड़े वर्ग के लोग बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का ये निचोड़ है कि ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, बात करते हैं दलितों के हित की और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं, उनकी बच्चों का हत्याओं पे, उनकी बच्चों को लाशों को जलवाते हैं, और बात करते हैं ये पिछड़े वर्ग के लोगों की कि हमने इतने मंत्री बना दिए, उन मंत्रियों की हैसियत भी अपनी एक बात बोल जाए,
इतने दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी बड़े पैमाने पे मर रहे हैं इनके राज में। ऐसा नहीं कि वो ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करके दलितों की जिंदगी बदलाव करो, दलितों की जिंदगी में बदलाव उनका मंत्री बनाने से नहीं होगा, उनके लिए रोजगार के रास्ते खोलने से, उनके लिए नीति बनाने से होगा जो उनके एजेंडे में नहीं है। जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करने से, जातिविहीन समाज बनाने से मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री तो इस समय सरकार में है, कई स्टेट में उनकी सरकार है, तो क्यों नहीं घोषणा करते कि भाई हम जो है ये प्रयास करेंगे कि जातिविहीन समाज बन जाए, भाईचारा बने, बंटवारा ना हो। और पिछड़े वर्ग के जातिगत जनगणना पे अभी इन्होंने कह दिया कि हम लोग नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? जो जनता चाहती वो कराते नहीं हो, और जो पूंजीपति चाहते हो कराते हो। किसान नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ 3 कानून ले आए, लेकिन जनता चाहती है कि पिछड़े वर्ग की जनगणना हो, पता लग जाए कि पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है, उनको रिसोर्सेज कितने मिले हैं, उनके डीएम कितने हैं, उनके एसएसपी कितने हैं, उनके विधायक कितने हैं, उनके एमपी कितने हैं, जो उनके हिस्सेदारी के साथ बैठना चाहते हैं, उनके जज कितने हैं, उनके प्रमुख सचिव कितने हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर कितने उनके हैं, प्रोफेसर कितने उनके हैं, वकील कितने उनके हैं सरकारी, उनको पता लगता तो उससे तो बच रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जमूले करने पे और झूठ और तूफान बोलने पे जो है ना आगे बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। विश्वास कीजिए 2022 का चुनाव ऐतिहासिक होगा जी, और भाजपा की जमानत जब्त होंगी यहाँ से, ये वापस चली जाएगी जैसे ये 90 से पहले थी। और फिर उसके बाद 2024 में इनको सेंटर में भी रोकने का काम करें, क्योंकि किसान और मजदूर की सुरक्षा करनी है और निजीकरण रोकना है जी। जिस तरह से सरकार निजीकरण करके सरकारी डिपार्टमेंट खत्म करती है, तो ये भी तो आरक्षण खत्म करने का रास्ता है। गरीब कहाँ जाएगा इलाज कराने जब सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे? कहाँ से ट्रेवल करेगा गरीब आदमी जब सारे जो है ना सारे जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये प्राइवेट हो जाएंगे, रेल प्राइवेट हो जाएगी? इनको क्या पता अमीर लोगों को गरीब कैसे जीवन जीता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि ये सत्ता दल वाले किसी से भी मुलाकात करते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप किसी से मुलाकात करते हैं तो ये कहते हैं कि इनका नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और ओवैसी से मुलाकात करते हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जब शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं तो इससे समाज जुड़ता है टूटता है? अब ये तो वो ये जब ये नारा देते हैं जी। मैंने कल राम बाबू हरित जो है एसएसटी आयोग के अध्यक्ष, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे भी आपका जिक्र किया था, तो वो कहीं ना कहीं जवाब देते हुए काफी कतरा रहे थे और इधर उधर भागने की काफी उन्होंने कोशिश की। हालांकि मैंने 2 बार आपके बारे में पूछा कि क्या आप नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कुछ साफ। जवाब तो तब देंगे जवाब जब कुछ होगा। और मैं तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, प्रधानमंत्री बताएं क्या प्रधानमंत्री का ये हो रहा होता है? वो तो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो कहें शमशान और कब्रिस्तान, और वो चुनाव में 20-20 रैली करके सरकारी खर्चे पे हमारे टैक्स के पैसे से जो टैक्स हम पे करते हैं गरीब आदमी पूरे देश के प्रदेश के, उनके पैसे से जो रैलियां करती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से होती है, सरकार के पैसे से होती है? तो मैं समझता हूँ कि किसी पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, जो भी कर रहा है अपने अपने समाज के लिए कर रहा है, हम देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकातें तो राजनीतिक लोगों की सबकी होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते हैं। इन्होंने तो वहाँ मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उनपे तो बहुत बड़े बड़े आरोप थे जी। कश्मीर में तो बीजेपी करे तो रासलीला, और अगर कोई और आदमी कुछ बातचीत कर ले किसी तो करेक्टर ढीला, ये कह के काम चलेगा नहीं। इनके नारे देखे कितने अच्छे होते हैं, इनके एमपी लगाते हैं, इनके मंत्री लगाते हैं, गोली मारो सालों को, किनको गोली मारोगे अपने देश में? ठीक सर, ये देश के नागरिक को गोली मारोगे? असम में जो कर रखा है वो सबको नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है? ठीक सर, अभी अभी ये जो इन्होंने जाति का झगड़ा करवा दिया यहाँ राजपूत समाज और गुजर समाज के बीच में, गुजर समाज के महापुरुषों को दूसरे समाज के बता के झगड़ा करवा रहे बीजेपी के लोग, अब इनपे कोई एजेंडा नहीं बचा, अब ये जातियों को लड़ाने का भाईचारा। ये डाटा कहाँ से पेश किया जाता है सरकार की तरफ से कि कोई दंगा नहीं हुआ सरकार में, कोई बवाल नहीं हुआ, सब एनार्किस्ट हैं जो इस तरह की बातें जो है फैला रहे हैं? ये डाटा बांग्लादेश से उससे लाते हैं, बंगाल से और अमेरिका से पकड़ के लाते हैं, जैसे विज्ञापन लाते हैं ना बंगाल का पुल और सड़क दिखाते हैं यहाँ, ऐसे जो है ना ऐसे अमेरिका की फैक्ट्रियां दिखाते हैं, ऐसे लाते हैं डाटा भी। अच्छा सर, एक सवाल कौन पूछे? हाँ, एक सवाल और जवाब किसे देते हैं? एक सवाल और फेसबुक सुने ना, मीडिया के लोग अगर इनसे सवाल कर लें हाँ, तो उनके उनके मीडिया हाउसेस पे छापे लग जाते हैं जी। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी सवाल कर ले कोई कहते हैं के खिलाफ चुनाव लड़ने को, तो उनको ये झूठे मुकदमे जेल भेज देते हैं। अवतार ठाकुर हम पे गवाह है इस बात के, ठीक है ना? कोई अगर बिजनेसमैन के खिलाफ काम कर दे तो ये उसके खिलाफ जो उस पर जांच बिठवा देते हैं, ये विपक्षी दलों पे ईडी और सीबीआई के छापे लगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी कंपनियों से बड़ी फंडिंग ले रहे हैं
और उन बड़ी कंपनियों को जिनसे फंडिंग ले रहे हैं उनको एवज में ये लोग उनको सरकारी संपत्ति को उनके हाथ में दे रहे हैं। ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बीजेपी के लोग, ये किसी के लिए हितैषी नहीं। सारा देश ये गुजरात के हाथ में देना चाहते हैं, गुजरातियों के। उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं होने देगी, बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको सबक सिखाएगी। जी, सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर जी एक सवाल और पूछा जा रहा है, वो ये है इस वक्त का कि चंद्रशेखर दलित वर्ग की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन सवर्णों के बारे में वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या इनसे प्रेम नहीं है या कोई समस्या है? ये ऐसा लिखा हुआ है, मेरा सवाल नहीं है सर। बहुत अच्छा है, मगर मैं सोशल मीडिया के सवालों का जवाब देता। अगर आप सोशल मीडिया के सवाल कर रहे हैं ना जी, तो मैं समझता हूँ, फिर भी मैं इसका जवाब तो जरूर दूंगा जी। ठीक है, सोशल मीडिया पे किसने अगर पूछा है, वो भी देश का नागरिक है, उसको अधिकार है। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं। बेसिकली क्या है ना, मेरा एक फंडा, हम एक सिद्धांतवादी विचारधारा के लोग हैं। हमने, हमारे महापुरुषों ने किसी का अपमान करना, किसी को रोकना, मैं समझता हूँ देश ना, जैसा ऐसा है, जैसा मेरा शरीर ऐसा है, हमारा देश है, जिसमें ये सोचे ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, और ये जो मेरी गर्दन है ये दलित है, और जो मेरा ये नीचे का हिस्सा है ये जो है माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर इनमें से एक भी हिस्से को कोई नुकसान हो जाएगा या वो कमजोर हो जाएगा तो मैं एक प्रॉपर या परफेक्ट आदमी नहीं हो सकता हूँ, मैं इस तरह से सोचता हूँ। तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि उनके पास बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लेफ्ट भी है, तमाम जो और दल है उनके नेता जो है ना वो उनके समाज से आते हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं भी दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों के लिए काम कर लूं। और जब जहां देखो, सरकार जब बनती है ना, सरकार सबकी होती है, ठीक है, सरकार, मुख्यमंत्री, मैंने जैसे बताया ना, प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। जब हमें अवसर मिलेगा, अगर हमारी सरकार में कोई अपर कास्ट का व्यक्ति ये कह दे कि उसके अधिकार छीने गए हैं, उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ अवसर में उसके साथ धोखा हुआ है, अवसर की समता नहीं हुई है, या बहन बेटियों के साथ किसी भी जाति धर्म की हो अपमान हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो मैं आपकी बात का कुछ सहमत हो जाऊंगा कि मेरी किससे लड़ाई है। लेकिन अभी तो मैं अपने लोगों को तैयार करने काम कर रहा हूँ, वो तो पहले से तैयार हैं, उनके पास तो उनके जज भी हैं, सब चीजें हैं उनके पास, लेकिन फिर भी अगर उन्हें मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो देखो, किसान तो सभी जातियों के हैं, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मजदूर भी सभी जातियों के, मैं उनकी भी लड़ाई लड़ता हूँ, जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं मैं उनकी भी लड़ाई लड़ता हूँ, किसी भी जाति की हो, तो मैं नहीं जातियां ढूंढता, हम तो जाति विहीन समाज चाहते हैं जी, बिल्कुल। ये जातियां तो जिन लोगों ने बनाई उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने देश को तोड़ा। क्या अब अगर अभी भी उनके पास मौका है कि वो देश को जोड़ने काम करें, क्या इसी वजह से ये जो कुछ ऐसे पद हैं देश में जहां पर दलितों को या फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को बैठाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति पद की बात कर लें या फिर कई ऐसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं जहां पर एससी या फिर ओबीसी चेहरों को बैठाया जा रहा है, या फिर कई ऐसे प्रदेशों की बात कर लें जहां पर चुनाव होना है और वहां पर बड़े बड़े जो दलित चेहरे हैं उनको उतारने की कोशिश करी जा रही है? देखिए, ऐसा है ना, मोहरों से तो हम, मोहरे और मुखोटों से तो हम बहुत दिन से भरोसे उनके काम कर रहे थे जी। अब तो हम लोग अपने अपने विचारधारा के अनुरूप अंबेडकरवादी आदमी को चाहते हैं, क्योंकि अंबेडकरवादी व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति, ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति जिन्होंने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए संविधान लिख के बराबर के अधिकार दिए हों, महिलाओं को भी, सब लोगों को। तो मैं समझता हूँ ऐसे विचारधारा का व्यक्ति जब बनेगा तभी शायद कोई परिवर्तन हो पाए, वरना ये देश ऐसे चलता रहेगा, लोग सरकार बदलेंगे और फिर पहली सरकार की तरह दूसरी सरकार से दुखी होकर फिर दोबारा बदलेंगे, फिर तीसरी बार बदलेंगे, वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी वोट में कितना दम है, जब वो बना सकते हैं तो बन भी सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की, वो अब अपना बनाए, मुखोटो के वो ना रहे, वो बेचारे करते क्या है, राष्ट्रपति जी दलित है लेकिन उनको मंदिर जाने पर रोका गया, समझ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो मुखोटों की राजनीति है ये बंद होनी चाहिए और स्वतंत्र राजनीति खड़ी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे। मैं आपसे एक बात का जिक्र और करूंगा जी सर, बीजेपी जो चुनाव हिंदू बनाती है, मैं फिर ये पूछना चाहता हूँ कि सभी चैनल पर डिबेट हो रही थी कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, क्या दलित के चार पैर होते हैं, चार हाथ होते हैं? जी सर, वो भी तो इसी प्रदेश का हुआ है। तो आज आप दलित दलित क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दलितों को कभी हिंदू मानते नहीं थे। अगर आप हिंदू मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो क्या उनको मंदिरों में जाने से रोकते? क्या उनको अधिकारों से, पढ़ने के अधिकार, धन रखने के अधिकार, संपत्ति बनाने के अधिकार उनसे वंचित रखते जो हजारों साल से आपने रखा है? अच्छा, ये समस्या कहीं ना कहीं जाता चंद्रशेखर, ये समस्या कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियों को रहती है कि चंद्रशेखर कैसे इतनी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, कैसे इतना उनके पास जनसैलाब रहता है, वो जहां जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां पहले से आके खड़ी हो जाती हैं। ये समस्या अभी भी कहीं ना कहीं समाज में बनी हुई है और राजनीतिक दलों में बनी हुई है आपको लेकर?
मेरे पास तो 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की तरह, जी मगर मैं समझता हूँ होना चाहिए। दलित समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए उनके बदौलत उनके जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। और आप एक काम किया करो, आप जब मेरे रैली हुआ करें तो आप भेजा करो जी सर, जितने भी आपके पास मीडिया के लोग हों, और सारी गाड़ियों को रुक रुक के पूछा करो कि इनमें चंद्रशेखर गाड़ी कौन सी है। ना सर मैं नहीं कहता हूँ, ना सर मैं नहीं कहता हूँ ये बात, आप मुझ और पर कौन कहता है? आज मुझ पर शुरू से ही नाराज हैं। नहीं मैं नाराज नहीं, आपने शुरू में जो बात कही थी ना मैंने उसके लिए टोका था, मैं बिल्कुल जी, नाराज नहीं, आप तो भाई हो, जी आप पे क्यों नाराज होऊंगा। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, जी क्या कभी आपने मुख्यमंत्री आपके यहाँ चैनल पे आ जाए तो आप पूछेंगे उनसे बिल्कुल कि भाई आप इतने बड़े काफिले में चलते हैं ये कहाँ से लाते हैं, किसी पार्टी के नेता से और से पूछा कभी आपने ये? ना सर मेरा सवाल नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ सर मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल कहीं ना कहीं सत्ता दल का रहता है या सत्ता दल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका रहता है। सत्ता सत्ता दल को ये बताना कि वो दिन दूर हुए जी जब दलित जो है ना वो झोपड़ियों में रहता था, अब दलित जो तरक्की कर रहा है थोड़ा बहुत वो आपको वो जो उसने अपनी कोठियां बनाई है मेहनत करके, और ये उनकी तरह किसी को ठक्के नहीं बनाई, बेवकूफ बनाकर नहीं बनाई, मेहनत करके बनाई है जी ठीक है। तो जब वो कमाता है तो अच्छी जिंदगी भी जीना चाहता है। मैं ये जो जिनकी बात आप कर रहे हैं ना कि ये वो जो पूछ रहे हैं विपक्ष लोग, जी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो दलित को कैसा देखना चाहते हैं, जिसके जो कई दिन से नहाया ना हो, जिसके जो है शर्ट फटी हुई हो, जिसके पास जूते फटे हुए हो, जिसके पैंट में कई जगह टुकिया लग रही हो, जो साइकिल से चल रहा हो या पैदल चल रहा हो, ऐसा दलित चाहते हैं? जी तो ये दिन दूर हुए, और वो ऐसी दलित की तो कल्पना करते हैं, तभी तो जब वो घोड़ी पे चढ़ता नाराज हो जाते हैं, जब वो बुलेट से चलता तो नाराज हो जाते हैं, मूछे रखता तो नाराज हो जाते हैं, जो मंदिर जाते तो नाराज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे अच्छी बात हुई, क्योंकि मुझे मेरे साथ समय की कमी है, ठीक है सर, बिल्कुल मुझे एक इम्पोर्टेंट जगह मूव करना है, आपसे अच्छी बात हुई, चलिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ संविधान ने हमें अधिकार दिए और हम लोग उन अधिकारों के जरिए एक अच्छा भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत 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 धन्यवाद आपका ये कीमती समय देने के लिए, और दूसरी चीज बहुत सारी शुभकामनाएं आपको 2022 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए भी, मंगल कामनाएं देश के लिए, मंगल कामनाएं उत्तर प्रदेश के लिए, मंगल कामनाएं, धन्यवाद धन्यवाद। तो साथियों ये थे चंद्रशेखर, साफ तौर पर इनका बयान और साफ तौर पर इनकी बातें जिस तरह से सुनी हम लोगों ने, इन्होंने साफ तौर पर यह साबित जरूर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उलटफेर अपने साथ लेकर आने वाला है। ये जो छोटे दल हैं, इन छोटे दलों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी सराहना, काफी साथ जनता का मिलने वाला है, और अगर इनको ये साथ और वोट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आने वाले चुनाव में कुछ अलग जरूर दिखाई देगी। तो आज के अंक में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।